स्टार्टर तो आपने बहुत खाया होगा क्या कभी आपने ये स्टार्टर खाया है फ्रेंड्स तो आज भी लेकर आ गई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एक मज़ेदार धमाकेदार ज़बरदस्त चटपटा सा स्टार्टर बनाने की रेसिपी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ऑसम बनती है और बनाने में जितनी आसान है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है तो एक बार इसे आप भी ज़रूर ट्राई करें चले फिर इस रेसिपी को कैसे बनाना है सीख लेते हैं लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमें ना स्टार्टर को बनाने के लिए एक मसाला बनाना है जो कि बहुत ही रंगा अलग सा मसाला है जिसके लिए हमें दो लाल सूखी मिर्चें पाँच छः काली मिर्ची और लेनी है हमें कड़ी पत्ते इन्हें हमें हल्का सा भून लेना है जब भी थोड़े से गर्म होने लगे उसके बाद में इसमें कुछ और मसाले डालने हैं जैसे कि सौंफ धनिया ज़ीरा दालचीनी हरी इलायची का दाना और एक लौंग बस थोड़े ही मसाले डालने हैं हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं ये सारे मसाले मैंने एक एक छोटे चम्मच लिए हैं जैसे कि धनिया ज़ीरा सौंफ़ और अब इसे मैंने अच्छा सा रोस्ट कर लिया देखिए भिनी भीनी, भीनी खुशबू आने लगी है मसाला रोस्ट हो चुका है तो इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं करीलिप्स वगैरह

चम्मच दही डालनी है दही थोड़ा सा पतला लिया है मैंने क्योंकि हमें बाइंड में जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा गाढ़ा दही भी है तो आपको थोड़ा दो तीन बूंद पानी डालना पड़ेगा और इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है मसाले को बेसिकली अच्छे से दही के साथ में मिक्स कर लीजिए और दही अच्छे से फिट जानी चाहिए इसमें जब भी पूरा मसाला अच्छे से मिल जाता है तो हमें लेना है पनीर मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा के जी पनीर लिया है और ये पनीर मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है और पनीर को मैं इस मसाले में डाल रही हूँ अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना है इसमें ये मसाला पूरी तरह से लग जाना चाहिए जिससे पनीर के अंदर भी फ्लेवर आ जाए और बहुत ही चटपटा हो ये मसाले के ऊपर ही हम इसमें बाइंडिंग ऐड कर रहे हैं जिसके लिए मैंने दो टेबल स्पून कॉर्न और दो टेबल स्पून मैंने रिफाइंड फ्लावर डाला है जिससे ना पनीर के ऊपर ही अच्छे सी कोट आ जाएगी और बाइंडिंग पकड़ सा लेगा और बहुत ही चटपटा क्रिस्पी सा ये बनेगा तो देखिए ये जो मसाला है ना अच्छे से लग चुका है पनीर पीसेस पे बिल्कुल इस तरह से कोट हो जाना चाहिए जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है साइड पर कर लेते हैं इसे और अभी हमें ऑयल गर्म करना है मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें एक एक कर कर पनीर के पीसेस जो मसाले लगा कर रखे हैं ना वो डाल रही हूँ और डालकर इसमें फ्राई कर ले रही हूँ तो इस तरह से मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स बहुत ही कम तेल में बस लगातार पनीर को डालकर अलट पलट करते रहे हैं बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ जाने दें और इस तरह से इसे फ्राई कर लें देखिए यहाँ पनीर पीसेज हमारे फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए हैं गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो इस तरह से इसे निकाल लीजिए और सारे के सारे जो पनीर पीसेस हैं ना इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए फ्राई कर लेने हैं जब तक ये इस तरह के नहीं हो जाते तो ये रेडी हैं आप चाहे तो इसे ऐसे भी खाकर देख सकते हैं बहुत चटपटा बहुत टेस्टी है देखिए उसी कढ़ाई में मैंने ना ज़्यादा जो तेल था वो निकाल लिया है दो चम्मच रहने दिया है और इसमें लहसुन अदरक की बारीक बारीक कटी हुई कलियाँ मैंने डाली हैं और डालकर मैं इसे लगातार फ्राई कर लेती हूँ लहसुन अदरक भुन जाता है ना तो अच्छी फ्लेवर आती है तो अब इसमें हमें हरी मिर्चें डालनी है हरी मिर्च इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आठ दस हरी मिर्चों को ना स्लैंट कट कर कर डाला है और ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है हल्का सा तीखा कम है इसीलिए मैंने इतना डाला है अगर मिर्चें तेज़ हो तो कमी डालिएगा मिर्चों को अब इसमें प्याज डालिए प्याज मैंने एक लार्ज साइज की ली है प्याज में मिठास से ना थोड़ा जो मिर्चों का हीट है वो भी कम होता है इसलिए भी यहाँ पे प्याज ज्यादा जाता है तो अभी प्याज डाला और डालकर अच्छे से भून लिया जब तक तो प्याज कैरमलाइज़ नहीं होता लगातार प्याज को फ्राई करते हुए हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे हैं मतलब ये कैरमलाइज हो रहे हैं और अच्छी सी सौंदा सौंदा फ्लेवर भी इसमें आ रहा है तो इस पॉइंट पे हमें इसमें बारीक कटे हुए पेपर डालने हैं जो कि मैंने ग्रीन लिया है और डालकर मैं इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ और इस तरह से मिलाने के बाद में इसमें हमें कुछ सॉसेज और डालने होंगे तो सबसे पहले मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ जो कि मैंने वन टेबल स्पून लिया है वन टेबल स्पून में यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से जो कि टोटली ऑप्शनल है सॉस में भी नमक है मतलब सोया सॉस वगैरह में लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हुए डालिएगा और ये जो हमने मसाला स्पेशल सा बनाकर रखा है ना वो हमें तकरीबन इसमें दो टेबल स्पून डालना है और डालकर अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है जिससे इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए तो बस यहाँ पर जब ये पूरा अच्छे से मिल जाता है तो इसमें हमें स्लरी डालनी है तो कॉर्न फ्लार में पानी मिक्स कर कर मैंने यहाँ पे स्लरी बनाया है और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया डालकर देखें देखिए बहुत चीजें हमारी बेस ग्रेवी बन चुकी है तो जब यहाँ पे ये बेस पूरा रेडी हो जाता है तो अब आपको लेना होगा पनीर पीसेस जो कि आपने फ्राई कर रखे हैं उसे बस यहाँ पे डाल दीजिए फ्लेम लो रखिएगा और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर पेपर और अनियन बल्स डालना होगा और डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिए यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं और अब इसे हमें अच्छा सा टॉस देना है जिससे सॉस का जो पूरा फ्लेवर है ना पूरा जो अच्छा सा टेस्ट है वो पनीर पीसेस पर भी आ जाए और बहुत ही चटपटा यमी टेस्टी सा हमारा पनीर स्टार्टर बनकर तैयार हो तो फ्रेंड्स एक बार आप भी ये पनीर स्टार्टर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में देखा आपने कितना आसान है थोड़ा सा जो मसाला बनता है ना उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पेपर फ्राई हमारा बनकर तैयार हो चुका है इसे आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं या तो आप इसे हल्का सा ना इसमें सॉस थोड़ा और ढीला रखकर रोटी पराठे चपाती के साथ में भी खा सकते हैं बहुत ही यमी बहुत टेस्टी लगेगा तो अगर आप भी पनीर की कोई रही रेसिपी धमाकेदार हमारे तरह ज़बरदस्ती रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें मेहमान आए स्टार्टर पे बनाना हो तो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा नहीं तो फिर अगर आपको कुछ अलग सी सब्ज़ी टाइप की बनाने की दिल कर रही है पनीर की तो मैंने आपको बताया इसकी स्लरी को थोड़ा सा और पतला कर लें हल्का सा इसे थिक बना लें और उसके बाद आप इसे रोटी पराठे चपाती के साथ भी, भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर से इस पनीर पेपर ड्राई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि उम्मीद है आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा और बनी कैसी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की कोई भी रेसिपी रिक्वेस्ट हो सजेशन हो मेरे चैनल के रिगार्डिंग तो ज़रूर दें कमेंट करें और मैं आपको जवाब जरूर दूंगी तो चलिए फिर इसी तरह की और भी नई धमाके तरह से जबरदरदे लेकर मैं फिर मिलूंगी आपको तब तक अपना अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल दो हमें याद रखिएगा वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग